काउंटर पे अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये कोई नई नई बात तो नहीं है। कांग्रेस के भी रीजिंग में अपराधी मारे गए, सपा बसपा के भी रीजिंग में अपराधी मारे गए, और जब 67 मुस्लिम अपराधी मारे जाते हैं, 20 ब्राह्मण मारे जाते हैं, 18 राजपूत मारे जाते हैं, 17 जाट मारे जाते हैं, 24 अन्य जाति मारी जाती है, तो फिर उस पर तो सवाल अखिलेश जी नहीं करते हैं, लेकिन मंगेश यादव पर उनका सवाल ये जातिवाद को बढ़ावा दिखता है कि उनको चिंता सिर्फ अपनी कौम की है। उनको बोलना चाहिए जब 20 ब्राह्मण मारे गए, राजपूत मारे गए, जब मुसलमान मारा गया, जाट मारा गया, चौहान, राजभर, बिंद, जो अपराधी हैं उनके साथ अब लोग आरोप लगा रहे हैं कि जाति देख करके पुलिस के ऊपर फायरिंग हो और पुलिस फूलों की वर्षा करेगी, आधार कार्ड मांगेगी, या आप अपना आधार कार्ड दिखा दो कि हम तब उसके बाद गोली चलाएंगे। इस पे चर्चा नहीं हो रही है कि उस इनकाउंटर में शैलेश राजभर को गोली लगी जो जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में जूझ रहा है, उस पे तो सवाल विपक्ष के लोग नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस इनकाउंटर पे सवाल किया। राहुल गांधी तो देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अभी चुनाव में आपने देखा लोकसभा के, वो आरक्षण बचाने की बात कर रहे थे और अमेरिका में जाके आरक्षण समय आने पर खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब ये तो भ्रांति पैदा हो गई। अब तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी आरक्षण खत्म करने के लिए कि आरक्षण देने के लिए, अब पहले तो इसका भी जवाब दें। और अगर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ये भी तो 25 इमरजेंसी लगी थी ना, कानून को ताक पर रखा गया, वो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। लाखों लोग जेल में डाले गए, पत्रकारों को जेल में डाला गया, कि वही कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं जो कानून को एकदम ताक पर रख करके काम किया गया। हरियाणा में सपा का कहाँ है या हमारा ही वहाँ क्या है? अभी तक समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश की राजी दल है, इसके अलावा किसी स्टेट में अब हमको नहीं जानकारी है कि कहीं कुछ है। अब लड़ने के लिए तो आदमी स्वतंत्र है, कहीं भी जाएगा, उम्मीदवार खड़ा कर देगा, सीट मिलना न मिलना अब उसको लेकर के अब वो उनका विषय है, वो हमारा विषय नहीं है। लड़ने के लिए तो आदमी स्वतंत्र है, कहीं भी जाएगा, उम्मीदवार खड़ा कर देगा, सीट मिलना न मिलना अब उसको लेकर के अब वो उनका विषय है, वो हमारा विषय नहीं है। देखिए, राजनीति में हर चीज संभव है। 2 जून की घटना 1995, कोई सोचा नहीं था कि बसपा और सपा एक होंगी, एक हुए। फिर लोगों ने नहीं सोचा था कि फिर एक होंगे, फिर एक हुए। तो राजनीति में क्या होगा कोई ठीक नहीं है, तो उस पर कुछ कहना हम उचित नहीं समझते। वो मायावती जी का जो बयान है वो 100% सही है, उन्होंने सही कहा है कि जो गरीब कमजोर कार्यकर्ता है और एक मजबूत कार्यकर्ता है, दोनों जब साथ खड़े होते हैं तो जो कमजोर है उसको सम्मान नहीं मिल पाता है। आपका भी कमजोर है, हमारा अनुभव तो हमने भी देखा है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ उसका काम अपना विकास है, दुनिया भाड़ में जाए। अभी शुरू किया था पीडीए, शुरू किया था ना पीडीए, समझाते कुछ हैं करते कुछ हैं। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। 4 बार की सरकार थी, खुद अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री थे। 5 साल के मुख्यमंत्री काल में क्या उन्होंने नाई, गोणपाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरक, अर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार,
पटेल के विषय में सोचा है? किस पीडीए की बात करते हैं? जब भी मौका मिला समाजवादी पार्टी को तो अति पिछड़ों का, दलितों का, सबका हक लूटने का काम किया है। देखिए, हम सरकार में हैं। अभी आपने देखा कि पूर्वांचल का ही एक हिस्सा अंबेडकर नगर, अभी 1231 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने अंबेडकर नगर को दिया विकास के लिए, अलग अलग मदों में हर जिले में विकास के लिए पैसा मुख्यमंत्री जी, चाहे वो गाजीपुर हो, बलिया हो, आजमगढ़ हो, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। अब सिर्फ इतना ये जरूर है कि उस चीज़ का प्रचार प्रसार हम कितना कर पाते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। कोई दिक्कत नहीं है, जनता साहब जानती है। अब आरक्षण खत्म करने के नाम पर लामबंद होकर के वोट तो मांगा कि आरक्षण खत्म हो रहा है, अब तो दोनों लोगों की दो भाषा हो गई। एक भाषा अमेरिका में एक नेता एक दल वाला बोल रहा है कि समय आएगा तो हम खत्म कर देंगे, अब वो किस मुंह से वोट मांगने आएगा फिर यूपी में? दोनों एक ही मंच पर होंगे, एक कहेगा कि नहीं हम आरक्षण बचाएंगे, एक कहेगा कि नहीं हम खत्म करेंगे। ये तो जनता सब जानती है, और ये भी जनता जानती है कि चार बार की सरकार में जिस दलितों को लुभाने की कवायद हुई, प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया था? समाजवादी पार्टी ने। ठेका में बसपा गवर्नमेंट ने 22.5% रिजर्वेशन दिया था, उसको खत्म किसने किया था? सपा ने। गरीब कमजोर के विकास के लिए योजनाएं जो बनाई पूरे महापुरुषों के नाम पर, उसको खत्म किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने। तो ये चीजें सबके सामने है, सब लोग जान रहे हैं, तो अब ये चीजें उजागर हो गई हैं कि हम प्रदेश की जनता से यही कहेंगे कि हम सब लोग मिलकर के प्रदेश के विकास के लिए जो योजनाएं हैं उसका लाभ लें। हम जिस विभाग के मिनिस्टर हैं पंचायती राज, हम ग्रामीण स्तर पर पहला हमारा साफ सफाई का अभियान, स्वच्छता, स्वच्छ भारत मिशन जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, क्योंकि पंचायत राज गांव से जुटा हुआ विभाग है, हमारा पहली प्राथमिकता है कि हम साफ सफाई पर ध्यान दें। हमारे जो भी कचरा कलेक्शन करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी लगे हैं, अगर हमारा कर्मचारी दरवाजे दरवाजे जा रहा है तो कचरा लोग बाहर ना फेंकें, उस हमारे कर्मचारी को दे दें ताकि वो ले जाकर के एक जगह इकट्ठा करके उसको व्यवस्थित करे। हम लोग हर गांव में पंचायत सचिवालय बना है और बना रहे हैं, जहां नहीं बना है वहां बनवाने जा रहे हैं, पंचायत भवन बनाने जा रहे हैं, बारात घर बनाने जा रहे हैं। पंचायत सचिवालय में ही जो गरीब कमजोर लोग मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सेक्रेटरी के यहाँ ब्लॉक पर तहसील पे दौड़ते थे, अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पंचायत सचिवालय में उनको मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेगा, उनको आधार कार्ड वहीं बनेगा, आयुष्मान कार्ड वहीं बनेगा, पेंशन के फार्म वहीं भरे जाएंगे, जो त्रुटि होगी सुधार वहीं होगा, परिवार रजिस्टर की नकल उनको वहीं मिलेगी। सारी 207 योजनाएं हैं, उन 207 योजनाओं का लाभ हम पंचायत सचिवालय में ही गांव को के लोगों को देंगे, अब उनको जनसेवा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी नई योजना हम स्वीकृत करा लिए हैं मुख्यमंत्री से, जीरो पॉवर्टी एक स्कीम योजना है। केंद्र और प्रदेश सरकार की अब तक की जितनी योजनाएं बनी, जिस गरीब परिवार के पास तक नहीं पहुंची, ऐसे हर गांव से 10 से 25 लोगों का चयन करके सभी योजनाएं एक साथ दे करके उसको गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास हम लोग करने जा रहे हैं। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।